अब हम अहमदाबाद को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीजें यहाँ की जितनी हम देख पाएंगे सब आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस में हम आपको मैक्सिमम अलग अलग जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम रेस्ट करते हैं और कल के लिए आगे की प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है, तो आप कीजिए इंतजार। ये है यहाँ सुबह का नज़ारा, अभी 8:30 बजे हैं सुबह के, तो इस तरीके से ये नज़ारा है यहाँ कुछ। और बिल्डिंगें भी हैं, बड़ी सी विंडो है, और अगर चाहें तो यहाँ पर ऐसे सड़क का व्यू देख सकते हैं। वो वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है और ये ऑफिस की बिल्डिंग होंगी शायद। ये शायद कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग लग रही है मुझे, और ऊपर है आसमान बादलों से घिरा हुआ। देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है। हम अब निकल चुके हैं अपने सफर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि उन्हें किसी हादसे की वजह से आयरन मैन का खिताब दिया गया था। वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसीलिए उनकी ये मूर्ति भी आयरन से बनाई गई है, सिंबॉलिक है, ये हमें बहुत प्रेरणा देती है। क्या है ये जितेंद्र जी? महिसागर नदी है। कौन सी? महिसागर। अच्छा, महिसागर किसी नदी का अंश है क्या? ये नदी है ना ये? अच्छा रास्ते पर पहला टोल जो आया है उसके बाद भी सड़क बहुत खूबसूरत है, एकदम नीट एंड क्लीन है, सड़क अच्छी बनी हुई है और ये रोड हाईवे बन रहा है। ये कहाँ कहाँ जा रहा है रास्ता? ये वही है ना ग्रीन कॉरिडोर जो मुंबई दिल्ली वाला बनेगा। अच्छा, कुछ है ही है दूसरा टोल। यहाँ टोल के वैसे कितने लग जाते हैं प्राइवेट टैक्सी से अगर चल रहे हैं तो? मतलब टोल के पैसे कितने लग रही हूँ? हाँ 135 है यहाँ से। अच्छा अच्छा 135 रुपए, ठीक है। कल वैसे मुझसे कोई पूछा थी, पीछे टिकट काउंटर है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर कि सारे टिकट्स के वैल्यू हेड यहीं खरीदा गया, क्योंकि बहुत धूप है। मेरे पास छाता है तो मैं छाता लूंगी। मैं आपको बता रही थी कि टिकट काउंटर वालों ने कहा है कि यहाँ एक बोर्ड लगा है उस पर सारे रेट्स लिखे हैं, उनको स्टडी कर लिया जाए और फिर जो पैकेज लेना है वो लिया जाए। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं वो सारे रेट्स, इसको पढ़ के डिसाइड करते हैं। अरे ऊपर तक तो देखो, वो जो बिल्डिंग में जाने का था। SOUVG वो पूछ रहे थे। अच्छा एंट्री टिकट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं क्या है। कितने का टिकट आया मैम? मेरे ऑनलाइन टिकट है तो अभी यहाँ से कुछ बनवाना है। 760 के दो टिकट। हम जाएंगे चेस्ट तक जाएंगे लेफ्ट से, और वहाँ पर व्यू गैलरी है, वो व्यू करेंगे। ये बस देखिए हमें वहाँ तक ले जाएगी स्टैचू तक। और इस तरीके के ट्रैवल कर रहे हो तो पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए, और इस तरीके के ORS के पाउच मिल जाते हैं, वो पीते रहना चाहिए। चलते हैं बस की तरफ। यहाँ से मूर्ति की बैक साइड दिख रही है, मैं दिखाती हूँ। काफ़ी दूर है यहाँ से तो ये मूर्ति, अभी 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और इस शहर का नाम दिया गया है एकता नगर, जो मूर्ति के आसपास बसाया गया है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने वाले लोगों के लिए बनाई गई हैं। तो अब चलते हैं हम उस मूर्ति की तरफ। तो ये पूरा अब एकता नगर का बॉर्डर शुरू हो चुका है। सरदार सरोवर डैम के ऊपर ये मूर्ति बनी है, उनके पैर देखने शुरू हो गए हैं।
गया है और इतनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है कि बहुत दूर से ही हमें ये दिखाई देनी शुरू हो गई थी। ये बस हमें एकदम फ्री मिली है और ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आती जाती रहती हैं। जहाँ पर हमारी कैब रुकी है वो एक प्रॉपर स्टेशन बनाया गया है जहाँ टिकट विंडो भी है, तो वहाँ से हम इन बसेस में बैठ जाते हैं आते हुए और जाते हुए भी उसी तरीके से हम यहाँ पर जो एक स्टेशन बनाया गया है वहाँ से बस लेंगे और उसी जगह उतरेंगे। इस गेट से हम अंदर जाएंगे। यहाँ छाता बंद कर सकते हैं क्योंकि आगे पूरा कवर्ड है और क्योंकि मेरे के लिए चेकिंग का है, तो अब हम वो कराते हैं और फिर प्रोसीड। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो हमारी जो बुकिंग है हमने टिकट इनके हार्ट तक जाने के लिए लिया है लिफ्ट का, तो उसके लिए यहाँ से जाएंगे। बहुत एडवांस सिस्टम है भाई, बहुत सुंदर है सब कुछ। कौन है पीछे? अच्छा अच्छा, कुछ फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है, कोई बात नहीं। डिफरेंटली एबल्ड, हाँ डिफरेंटली एबल्ड, हमने स्कूल में देखा था ये। ओके, मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। वाओ, फैसिलिटीज़ बहुत है यहाँ आने में भाई, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कवर्ड है एरिया। सुना था कि यहाँ बहुत धूप है, धूप है, धूप तो है लेकिन कवर्ड है सारा एरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो इससे हमारे देश के लोगों की भी तो तरक्की है ना, आगे भी है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हमारे देश के लोगों को भी उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने में तरक्की मिलती है। सिर्फ देश का नाम बाहर ही नहीं होता है, हमें भी उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, ये जो एकता नगर यहाँ बसा है बहुत बड़ा है, उसमें खाने पीना सामान बेचने वाले, गार्डनर और जो भी मतलब उसको मेंटेन करने के लिए लोग हैं उन सबको यहाँ पर नौकरी मिल रही है। तो उसकी वजह से सफाई भी हो गई है यहाँ पर, ग्रीनरी देश में और ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से ना, और यह वाई फाई है। तो इस तरह की चीज़ें देश में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी और भी आगे भी ऐसे ही सारे ऐसे ही जाएंगे हम बिना चले, बस खड़े खड़े आप देखते रहो, बस बने रहो वीडियो में। अभी आप देखना सारा हैट और छाता लेना कोई फायदा नहीं हुआ, इतना अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ। तो बस अब पहुँचने वाले हैं और हम मूर्ति के हार्ट तक जाएंगे और देखेंगे ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। ये हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पीछे दो गेट है, एक एंट्री है इधर वाला, एग्जिट है इधर वाला। तो अब एंट्री की तरफ हम चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर कि किस तरीके से ऊपर जाया जाएगा। भास्कर तेरे लिए स्पेशल। देखो हम चेस्ट लेवल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वी आर इन हिज चेस्ट। यस, ये व्यूइंग पॉइंट है, मार्बल का हिस्सा ना, ये उनकी बॉडी का पार्ट है।
उसके बाहर जो ऐसे हाथ वगैरह का हिस्सा होता है यहाँ पर तो भी बना तो अलग है, नीचे व्यू गैलरी बनाई है वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से नीचे डैम का सीन नजर आ रहा है, मतलब नदी वगैरह नदी दिख रही है। हाँ वो हम आपको भेज देंगे। पीछे ये लिफ्ट है, इससे हम आए हैं और गए हैं, उसके रेट 46 सेकंड्स में पहुँच गए हम। और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है इस समय, यस, और पूरी लोहे से बनी है।